लखनऊ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में COVID-19 से बचाव व राहत कार्यों में निरंतर अपना योगदान दे रहे अधिकारियों को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आप तो बहुत पहले यहाँ पे आए, कोरोना के जब लॉकडाउन वाला पीरियड चल रहा था, लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में अनिजी महसूस होता है, जो कि बड़ा गलत है। सोशल ग्रुप है तो सिलसिले में आज प्रोग्राम था। ये देखिए, मेंटल हेल्थ डे के रूप में पूरे प्रदेश में इस चीज़ को मनाया जा रहा है और आज पूरे स्वास्थ्य विभाग, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस से सभी लोग आज इस कार्यक्रम में आए और साथ ही साथ जो कोविड वॉरियर्स, जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है कोविड के दौरान अभी तक, उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसी के लिए कार्यक्रम रोल क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अभी आज जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत हम लोग जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के टीम जो बलरामपुर अस्पताल में पोस्टेड है, आज हम लोगों ने दयालुता थीम पर एक प्रोग्राम करा गया है जो DM सभागार लखनऊ के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, इसमें किस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं? कोई एज का फैक्टर है या कोई भी आ सकता है यहाँ पर? नहीं, ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सिर्फ मानसिक रोगियों को देखते हैं। मानसिक रोगी, जो भी मानसिक रोगी है उनका इलाज और निःशुल्क दवाइयाँ हमारी तरफ से दी जाती है, उसके साथ दौरे की दवाइयाँ अलग से हम लोग देते हैं। अच्छा, ये किन किन अस्पतालों में लागू किए? सिर्फ बलरामपुर में? प्रदेश के हर ज़िले में है, 75 ज़िलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अपने लखनऊ शहर में ये बलरामपुर अस्पताल है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है या प्राइवेट में भी ये सुविधाएं हैं? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो सबसे पहले बिलारी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था बेंगलोर के, और ये एक सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आता है। प्राइवेट पर इसका कोई दिन भी रखा है कि रोज के? हमारा OPD जो है बलरामपुर अस्पताल में सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को है, अन्य जिलों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को है।